नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया के 10 ऐसे पालतू जानवर के बारे में जिन्होंने अपने मालिक को मारकर खा लिया। अगर आप भी अपने घर में कोई पालतू जानवर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नंबर एक, मॉनिटर लिजर्ड। रोनाल्ड के पास सच में एक अनोखा जानवर था। वह कुछ अलग करना चाहते थे, इसीलिए रोनाल्ड ने अपने घर में कोमोडो ड्रैगन को पालतू जानवर बना दिया। मुझे लगता है कि आपको यह पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। जब रोनाल्ड घर पर कुछ दिनों तक दिखाई नहीं दिए तो उनकी फैमिली परेशान हो गई और पुलिस को फोन किया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि कोमोडो ड्रैगन ने रोनाल्ड को खा लिया है। शायद यह बड़ी छिपकली देखना चाहती थी कि इंसानों का स्वाद कैसा होता है। नंबर दो, हिप्पो। दरियाई घोड़े को पालतू बनाना एक खराब आइडिया हो सकता है क्योंकि यह काफी बड़े और भारी होते हैं। इनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। साउथ अफ्रीका में रहने वाले किसान को रास्ते में एक दरियाई घोड़ा मिला। कई सालों तक उसने अपने खेतों में पालतू बनाकर रखा, लेकिन कुछ सालों बाद उस व्यक्ति की बॉडी नदी में तैरते हुए मिली जिसे दरियाई घोड़े ने अच्छी तरह छुपा रखा था। जो आपको क्या लगता है, क्या हमारे पालतू जानवर भी हमें मार सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नंबर तीन, स्नेक। बाहर के देशों में बहुत से लोग अजगर को अपना पालतू जानवर बनाकर रखते हैं, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। इसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। ग्रेट विलियम नाम के एक व्यक्ति ने 13 फुट लंबाई पाइथन पाल रखा था, लेकिन एक दिन उसके पड़ोसी को उसकी लाश मिली जिससे उसके पास तो अजगर ने लपेटा हुआ था। लोगों का मानना है कि आजकल को मुर्गी की मेल आई होगी, लेकिन खराब किस्मत के चलते विलियम उसके सबसे पास था जिसे अजगर ने उसे खाने के लिए मार डाला। नंबर चार, डॉग्स। अमेरिका के रहने वाले एक व्यक्ति के घर में जब पुलिस पहुंची तो उन्हें गेट पर खड़े कुत्ते की हरकतें कुछ अजीब लगी। जब उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो उन्हें घर के मालिक की लाश दिखाई दी। अब सवाल यह था कि ये डॉग अपने मालिक की मौत की वजह से आ रहा था या फिर उसको मार डाला था। मैं आपको बता दूं, जब कुत्ते के मुंह पर लगे खून को चेक किया गया तो पता चला कि खून उसके मालिक का था और बॉडी पर कुत्ते के काटने के निशान भी थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उस कुत्ते ने अपने मालिक को मार डाला? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नंबर पाँच, बियर। 37 साल की एक लड़की अपने परिवार के साथ पेंसिल्वेनिया में रहती थी। अपने घर में कई तरह के खतरनाक जानवरों को पालती थी, लेकिन एक दिन जब वो भालू के पिंजरे को साफ करने के लिए उस पिंजरे के अंदर जाती है तो वहाँ मौजूद भालू उस पर हमला कर देता है, जिस अटैक को केली का बेटा देख लेता है और जल्दी से मदद के लिए अपने पापा को बुलाने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह वहाँ पहुँचते उसको मार चुका होता है। नंबर छह, बंगाल टाइगर। बचपन से जानवरों को प्यार करने वाली सिंथिया ली, जो जानवरों के बारे में अच्छी जानकारी रखती थी, जिसके घर में हर तरह के जानवर रहते थे, लेकिन एक दिन वो अचानक से गायब हो गई। जब से काफी देर तक ढूंढने के बाद उसकी बॉडी बंगाल टाइगर के पिंजरे में मिली। बताया जाता है कि जब सिंथिया उस पिंजरे के पास पहुंची तो उनमें से एक पिंजरा बंद नहीं हुआ और उसे पिंजरे में मौजूद टाइगर ने सिंथिया को जान से मार डाला। नंबर सात, चिंपैंजी। एक दिन जब कार्ला अपने फ्रेंड सैंड्रा हेलोर के घर मिलने गई थी, तभी हेलोर का पालतू चिंपैंजी उस पर अटैक कर देता है और कई देर तक अपने नुकीले नाखूनों से उसके शरीर को जख्मी कर देता है। बाद में जब पुलिस ने चिंपैंजी को वहां से रेस्क्यू करके गोली मारते, तब जाकर चार्ल्स को वहां से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कई दिनों तक फेस की सर्जरी करने के बाद उसे घर भेज दिया जाता है। नंबर आठ, बुल। यह घटना 2010 की है। अमेरिका में रहने वाले रिकी ऑन वॉल नाम के एक आदमी के पास एक सांड था। उसको रहने के लिए रिकी ने एक जगह लीज मेंट लिया था, लेकिन उनके जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले उस सांड ने उस पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से जख्म भर देता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनका देहांत हो गया, लेकिन उस सांड ने ऐसा अचानक हमला क्यों किया, इसी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। उस समय उसने लाल कपड़े भी नहीं पहने थे। नंबर नौ, क्रोकोडाइल। यह घटना 2019 की है। इंडोनेशिया में रहने वाली 44 साल की डैनी की मगरमच्छ के काटने से मौत हुई थी। असल में वो एक फार्म हाउस में काम करती थी। वहाँ पर एक इलीगल तरीके से एक क्रोकोडाइल को पाला गया जिसका नाम था बैरी। डैनी हमेशा बैरी को रोज खाना खिलाती थी। ऐसे ही दोनों के बीच एक बोंडा बन चुका था। 10 जनवरी को जब डैनी खाना खिलाने के लिए जाती है, तब बैरी नाम का मगरमच्छ उस पर हमला करता है। उस 700 किलो के मगरमच्छ ने उसके आधे शरीर और उसका ज्यादा हिस्सा खा लिया था। नंबर 10, ग्रेट व्हाइट शार्क। ऑफिस के काम के बाद जब एक लंच ब्रेक मिल जाए तो हर कोई चाहता है कि वो थोड़ा ब्रेक में सुकून की सांसें ले ले, और ठीक ऐसा ही लिसा चाह रही थी, जो पानी में मौज मस्ती करने चली गई। लेकिन तभी द ग्रेट व्हाइट शार्क यानी दुनिया के सबसे बड़ी शार्क से उनका एनकाउंटर हुआ, जिसने उन पर अटैक कर दिया। शार्क ने लिसा को पानी के अंदर घसीटने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी और लेकिन भी ये खुद को पूरी तरीके से नहीं बचा पाई। शार्क ने उनके हाथ और पाँव पर काफी गांव कर दिए थे, जिसके कारण उन्हें 16 घंटे तक सर्जरी करवानी पड़ी। हाथों में काफी टांके आए, लेकिन खुशकिस्मती से बच गई।
इसलिए आप भी जब कभी इस तरह के खतरनाक इलाके में जाएं, तो सावधान रहिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपको इनमें से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी उसके बारे में कमेंट करके बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।